हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो। रेशियो की सीरीज में पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे। सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और सेशन को एंजॉय करिए। देखिए, आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सब 2016 या 15 या 17 में एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मुझसे पूछा था बहुत पहले, ऑफलाइन क्लास जब लेता था मैं तब पूछे थे। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो रेशियो के क्वेश्चन थे तो डिस्कस करना यहां काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क to water in the resulting mixture become 7:1. The quantity of milk which was added. हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ दूध की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो देखो, हमारे पास हमें क्या पता है, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पता है। हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पता है, कितना मिल्क है 17 यूनिट और वाटर कितना है 3। 17 यूनिट क्या है, मिल्क है, और वाटर कितना है 3 यूनिट है। अब यहां पे क्या है, देखो हम यहां पे ये निकाल सकते हैं टोटल मिल्क कितना है, ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, 17 यूनिट है, इसके बाद ये पहले था, ये क्या था, पहले था, ये पहले था। अब बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने कुछ क्वांटिटी में दूध मिला दिया, कुछ मात्रा में दूध मिला दिया। दूध मिलाने के बाद ये रेशियो हो गया 7:1। तो देखो कैसे करेंगे समझना, रेशियो का यहां यूज करेंगे हम। हम मिला क्या रहे हैं, हम मिला रहे हैं मिल्क, हम मिक्सचर में मिल्क मिला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पानी की मात्रा सेम होगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर इज सेम। इस मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। 3 यूनिट वाटर यहां पे है तो 3 यूनिट वाटर यहां भी होना चाहिए। 3 यूनिट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 3, तो यहां भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना, सही है कि नहीं भाई। अब देखो क्या करेंगे, पहले कितना दूध था 17, अब कितना दूध हो गया, बोलो अब कितना दूध हो गया 21 यूनिट। कितना बढ़ गया 4 यूनिट, कितना बढ़ गया 4 यूनिट। और क्वेश्चन में हमें दिया है टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना दिया है, टोटल मिक्सचर दिया है 200, और टोटल यहां से भी निकाल सकते हैं 17+3 टोटल कितना है 20। 20 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 200 लीटर, 20 यूनिट की वैल्यू अगर 200 लीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10। एक यूनिट अगर 10 आया तो बताओ 4 यूनिट कितना आएगा, 4 यूनिट बोलो भाई कितना आएगा 40। आंसर आपका आ गया 40। कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो, इस टाइप में हम करेंगे। ये परफेक्ट यूज है रेशियो का। यहां पे हमने क्या किया, यूनिट को बराबर किया। ऐसे सवालों में हम वो वैल्यू सेम करते हैं जिनको चेंज ही नहीं किया गया, मतलब मिक्सचर में हमने पानी को नहीं छेड़ा, पानी को नहीं छेड़ा तो किसको छेड़ा, दूध को छेड़ा। इसका मतलब पानी को क्या करेंगे, सेम करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए या फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसी टाइप में है, कैसे करेंगे देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है टू इक्वल वेसल आर फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड 5:3 रेस्पेक्टिवली। इफ द मिक्सचर आर पोर्ड इन टू अ थर्ड वेसल
फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड वेजर। हिंदी में एक बार पढ़ते हैं, दो समान मात्रा वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 5:3 है। इन दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिला देते हैं तो उस परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये पहला बर्तन है फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड वेजल। ये फर्स्ट वेजल, ये सेकंड वेजल, पहले वाले में इनका रेशियो दिया है 3:4, दूसरे वाले में इनका रेशियो दिया है 5:3। अब सवाल में कह रहा है इक्वल वेजल का मतलब इनकी वॉल्यूम सेम है, मतलब पहले वाले में अगर हम टोटल निकाले तो 4 और 3 7, दूसरे वाले में अगर टोटल निकाले तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। कह रहा है इक्वल वेजल है मतलब इनका वॉल्यूम आयतन इनका समान है, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। 7 और 8 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 8 से मल्टीप्लाई, यहां पे 7 से। अगर यहां 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 8 से करेंगे, यहां भी 8 से करेंगे, तो यहां 8 से मल्टीप्लाई, यहां भी 8 से, ये 7 से मल्टीप्लाई, ये भी 7 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 24, और ये कितना हो गया 35, ये आपका कितना हो गया 32, ये आपका कितना हो गया 21। अब मिला दीजिए तो तीनों में, मिलाने का मतलब दूध को दूध के साथ मिलाना है, पानी को पानी के साथ, तो यहां 24 है, यहां 35 है, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 59, 32 और 21 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 51, यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसको आप सॉल्व करना है आपको। पहले इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन में दो बर्तन थे, जो अगला क्वेश्चन आया है उसमें तीन बर्तन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, 30 सेकंड में आप सॉल्व करिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों के आंसर आए होंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, कह रहा है द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स इज 2:1, 3:2 एंड 5:3। ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल 3 सैंपल्स इज मेड, फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर। सेम उसी टाइप में है, तो देखिए कैसे करेंगे, मिल्क और वाटर लिख लिया, मिल्क और वाटर ले लिया, ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल, और ये आपका तीसरा सैंपल। पहले वाले में रेशियो दिया है, दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:1, दूसरे वाले में दिया है 3:2, तीसरे वाले में दिया है 5:3। अब करना क्या है, वही सेम इक्वल करना है सबको, इक्वल कर लीजिए, 2 और 1 3, इसका 3 और 2 5, और ये आपका आएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8। अब देखिए 3, 5 और 8 को इक्वल बनाना है, तो 3, 8, 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 40, 40 का 3, 120, इनका एलसीएम क्या आएगा 120, तो यहां लिख दे रहा हूं एलसीएम
तीन पांच आठ कितना आया 120। मतलब इसको 120 बनाना है, इसको 120 बनाना है, इसको 120 बनाना है। तो इस 120 बनाने के लिए कितने से गुणा 40, यहां कितने से गुणा 120 बनाने के लिए 24, 120 बनाने के लिए 15। तो यहां 40 से गुणा, यहां भी 40 से गुणा, यहां 24 से गुणा, यहां भी 24 से गुणा, यहां 15 से गुणा, यहां भी 15 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 80, ये कितना हो गया 72, ये कितना हो गया 75। अगर इसको देखें तो ये 40, इसको अगर देखें तो ये कितना होगा 48, ये कितना हो गया 45। हमें क्या करना है, इन तीनों को मिक्स करना है। तो दूध को दूध वाले यूनिट में जोड़िए, वाटर को वाटर के यूनिट के साथ जोड़िए। तो देखिए 80, 72, 75 इनको अगर जोड़ें तो 5 और 2 7, 7 7 14, 6 20 2 22 और 1 23, 23 आएगा। तो यहां आ गया 22 ही आएगा ना। 5 देखिए 5 2 7, 7 आ गया, हाँ 22 आएगा। इस टू इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 5 13, कैरी 1, 12 और 1 13, आंसर आ गया 227:133। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसी टाइप में है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं, टू एलॉयज कंटेन टिन एंड आयरन इन द रेशियो 1:3 and 2:3। इफ द टू एलॉयज आर मेड इन द रेशियो ऑफ 3:4 रेस्पेक्टिवली बाय वेट, then find the ratio of tin and iron in the newly formed alloy। हिंदी में पढ़ते हैं, दो मिश्र धातुएं जिनमें टीन और लोहे का अनुपात 1:2 और 2:3 है, इन दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिला दिया जाता है तो नए मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात बताओ। तो देखिए कैसे होगा, एक साइड में क्या करता हूं टिन लिख देता हूं, टिन का मतलब एक साइड में टिन लिखता हूं, टिन का सिंबल क्या होता है Sn, एक साइड में लोहा लिखता हूं, लोहे का सिंबल क्या होगा Fe, लिख दे रहा हूं यहां पे टिन और यहां पे लिख दे रहा हूं आयरन। तो देखिए दो मिश्र धातु है फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड, यहां पे ले लिया 1:2 और यहां पे ले लिया 2:3। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में, अगर पिछले क्वेश्चन की हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन में इक्वल यूनिट से हमने मिलाया था, वॉल्यूम सेम था, लेकिन यहां पे हम इसको 3:4 के रेशियो में मिला रहे हैं। तो पहले इनकी कैपेसिटी देखते हैं, इसको अगर टोटल जोड़ेंगे तो यहां आएगा 3, इनको जोड़ेंगे तो यहां आएगा 5। 3 और 5 रेशियो को हमें 3:4 बनाना है, तो सबसे पहला काम हमें इनको बराबर करना है। सबसे पहला काम हमें इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए कितने से गुणा 5 से, यहां कितने से 3 से। अब ये इक्वल हो गए लेकिन कह रहा है कि इनको हमें 3:4 के रेशियो में मिलाना है, 3:4 के रेशियो में मिलाना है। इसका मतलब ये है यहां पे 3 से गुणा कर दो, यहां कितने से 4 से, यहां 3 से गुणा कर दिया, यहां 4 से, तो मतलब यहां टोटल कितने से गुणा 15, यहां कितने से 12। तो यहां भी हम 15 से गुणा करेंगे, यहां भी 15 से गुणा करेंगे, यहां 12 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 24, 15 और 24 कितना होगा 15 और ये 24,
15 24 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा कितना 39:2, ये हो गया 30, ये हो गया 36, 30 और 36 कितना होता है 66, ये कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा 3 से, 3 से कैंसिल करेंगे 13, 3 से कैंसिल करेंगे 22 और आंसर आ गया 13:22। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको नोट हो गया होगा, नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया था, इसको आप पढ़ भी लिए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाय मिस्टेक व्हाइल इंक्रीज्ड द बिल बाय 50%। Find the ratio of number of black and brown pairs of socks in the original order. हिंदी में एक बार पढ़ते हैं, हिंदी में कह रहा है एक आदमी चार जोड़े काले सॉक्स, सॉक्स मतलब मोजा ना, चार जोड़े काले सॉक्स और कुछ जोड़े भूरे सॉक्स ऑर्डर करता है। काले सॉक्स की कीमत भूरे सॉक्स की कीमत की दुगनी है, जबकि क्लर्क द्वारा बिल तैयार करते समय उनके संख्याओं का आदान अदल बदल दिया जाता है, उनकी संख्याएं क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती हैं, जिससे बिल जो है वो 50% पहले से 50% अधिक आता है। तो हमसे पूछ रहा है ब्लैक और ब्राउन, काले और भूरे सॉक्स का रेशियो बताओ। तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास क्या है, एक साइड मैं लिखता हूं ब्लैक, एक साइड लिखता हूं ब्राउन। पहले इनिशियल स्टेट में ओरिजिनल, एक साइड मैं लिखता हूं ओरिजिनल, मतलब पहले क्या है पेयर में लिखता हूं, ठीक है ना भाई, समझना कैसे कर रहा हूं। अगर इंटरचेंज ना किया गया होता तो कह रहा है ब्लैक पेयर कितने हैं चार, ब्लैक सॉक्स कितने पेयर हैं चार, ब्राउन सॉक्स नहीं दिया है तो मैं ब्राउन सॉक्स मान लूंगा कितना एक्स, क्लियर है। और यहां पे प्राइस दिया है, प्राइस जो है वो डबल है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्राइस डबल है, इसका मतलब अगर इसका प्राइस एक होगा तो इसका प्राइस कितना होगा, दो होगा, एम आई राइट, क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, टोटल बिल निकालेंगे, ओरिजिनल बिल चार और दो, चार का डबल आठ मल्टीप्लाई एक्स। ओरिजिनल बिल की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 8+x, मतलब पहले बिल कितना था 8+x। अब अगर मैं बात करूं, अब यहां पे आ गया अब, नाउ अब क्या किया, क्लर्क ने बदल दिया इनके संख्याओं को, क्लर्क ने बदल दिया, इसका मतलब ब्लैक एक साइड मैंने लिख दिया, ब्राउन एक साइड लिख दिया। अब यहां पे पेयर, अब अभी चार यहां था लेकिन अब इंटरचेंज कर दिया, अब इसको एक्स दे दो, इसको चार दे दो, इंटरचेंज बदल दिया, प्राइस वैसे ही है। अब अगर हम बात करें तो ये होगा 2x और ये कितना 4, तो न्यू बिल कितना होगा 2x+4, नया बिल जो होगा वो होगा 2x+4।
अब यहां पे कह रहा है ऐसा करने पे बिल जो है वो 50% बढ़ गया। 50% का मतलब 1/2। इसका मतलब अगर पहले पैसा अगर दो रहा होगा तो अब कितना हो गया भाई, अब कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है ना? इसका मतलब इनका रेशियो दिया है, पहले बिल कितना था 8+x, अब कितना हो गया 2x+4। कोई दिक्कत? 50% बढ़ गया, ये बढ़ गया, बढ़ने का मतलब 1/2। पहले अगर 2 रुपया था तो अब 1 ज्यादा हो गया, कितना हो गया 3, तो पहले के बिल अपॉन अब का बिल, नया बिल इक्वल टू अपॉन 3। ये अभी को सॉल्व कर दो, 4x+8=24+3x, x की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, रेशियो ब्लैक और ब्राउन, तो ब्लैक कितने पेयर थे, 4, और ब्राउन कितना आया, 16, ब्राउन आया 16, रेशियो आ जाएगा 1:4। आंसर 1:4 इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए होगा कैसे समझना, इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है, सवाल पढ़ता हूं एक बार, ए पुलिस स्टार्ट टू चेज अ चोर, व्हेन द चोर गोज टू 10 स्टेप द पुलिस मूव 8 स्टेप्स एंड 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिस आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ द चोर, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिस एंड चोर। एक बार क्वेश्चन में पढ़ता हूं हिंदी में, एक पुलिस चोर का पीछा करता है, जब चोर 10 कदम चलता है तो पुलिस 8 कदम चलता है, और पुलिस के 5 कदम की दूरी चोर के 7 कदम की दूरी के बराबर है, चोर पुलिस और स्पीड का रेशियो बताओ। तो देखिए यहां पे क्या है, ये लाइन समझना, सेकेंड लाइन से समझना, सेकेंड लाइन में कह रहा है कि 5 स्टेप्स ऑफ पुलिस इक्वल है 7 स्टेप्स ऑफ चोर, किसका मतलब पुलिस के 5 स्टेप बराबर चोर के 7 स्टेप, सी फॉर चोर, ठीक है ना। तो यहां से हम पुलिस और चोर का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, 7:5, ये आ गया रेशियो। ये जो रेशियो आया ना, ये किसका रेशियो आया, डिस्टेंस का रेशियो आया, ये डिस्टेंस का रेशियो आया, ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशियो आया। अगली लाइन में ऊपर वाली लाइन अगर हम ध्यान दें, अब देखो ऊपर वाली लाइन ध्यान दे, तो कह रहा है कि 10 स्टेप अगर चोर मूव करता है तो 8 स्टेप पुलिस मूव करती है, तो यहां पर इस टाइप में मैं लिखता हूं पुलिस और यहां लिख दिया मैंने चोर, यहां पे मैंने लिखा स्टेप कितना है भाई, पुलिस के कितने स्टेप हैं, पुलिस के स्टेप हैं 8 और चोर के कितने स्टेप हैं, 10, ठीक है, और पर स्टेप जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यहां पे हमें पता है कितना, 7, और ये पता है 5, तो हमें पता है कि जो स्पीड होगा वो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो स्पीड निकालना है तो इनको गुणा कर दो, 8 का 7 से मल्टीप्लाई 56,
10 का 5 से 50, ये कटेगा कटेगा किससे कटेगा 2 से 28 और ये कट गया 25, ये आपका आंसर। इसको नोट करिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या है। कोई भी वीडियो आप देखिए, कुछ भी सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए आज आपने 5 से 6 क्वेश्चन इसको किया, समझ में आपको बिल्कुल आ गया, क्लास में जो भी पढ़ता है उसको 100% समझ में आता है। अब इसको फिर से शाम को पढ़िए, इसीलिए मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूं। इसको फिर से सॉल्व करिए अपने से, ना आए तो वीडियो को फिर से देखिए। मैथ पढ़ने का तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि सोते हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इवन गाना सुनते हुए भी। मैथ पढ़ने का तरीका, अगर आपको मैथ अच्छे से आ रहा है तो आप अच्छा गाना सुनिए, अरिजीत सिंह का, कबीर सिंह मूवी का गाना सुनिए। नहीं आ रहा है तो सैड सॉन्ग सुनिए, उसको स्किप कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास।